कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल ब्रिटिश काल की याद दिलाता है। कोलकाता आने वाले पर्यटक अंग्रेजों की इस शाही विरासत को देखे बिना नहीं जाते। विक्टोरिया मेमोरियल न केवल कोलकाता बल्कि देश भर से घूमने आने वालों और ब्रिटिश काल के बारे में जानने के लिए सबसे अच्छा पर्यटन स्थल माना जाता है। सफेद मार्बल से बनी इस खूबसूरत इमारत का निर्माण रानी विक्टोरिया के स्मृति में भारत पर उनके 25 वर्षों के शासन का जश्न मनाने के लिए किया गया था। इस इमारत को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1906 और 1921 के बीच बनवाया था। लॉर्ड कर्जन चाहते थे कि महारानी को जो स्मारक उन्हें समर्पित किया जाएगा वो विशाल होना चाहिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विक्टोरिया मेमोरियल को बनाने के लिए धन भारत के लोगों से जुटाया गया था। इस इमारत के बनने में पूरे 1,05,00,000 रुपए खर्च आया था। किंग जॉर्ज पंचम और प्रिंस ऑफ वेल्स ने 1906 में स्मारक के लिए आधारशिला रखी थी और स्मारक अंततः 1921 में आम जनता के लिए खोला गया था। ये शानदार इमारत भले ही हिंदुस्तान की गुलामी की याद दिलाए लेकिन साथ ही ये उत्कृष्ट वास्तुकला का जीता जागता उदाहरण भी है। विक्टोरिया मेमोरियल के एक वास्तुकार विलियम एमर्सन हैं। इस स्मारक को बनाने के लिए विलियम एमर्सन ने मिस्र के वेनिस, मुगल और अन्य इस्लामी के साथ साथ इंडो सरासेनिक वास्तु शैली का इस्तेमाल किया। 184 फीट ऊंची इमारत सफेद रंग के मकराना मार्बल के साथ बनाई गई है जिसे जोधपुर राजस्थान से लाया गया था। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल के पास करीब 64 एकड़ में फैला शानदार बगीचा है। इस बगीचे की खूबसूरती देखते ही बनती है। अगर आप विक्टोरिया मेमोरियल देखने जा रहे हैं तो आपको वहां दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला तो ये कि आप बगीचे के साथ मेमोरियल हॉल भी देखें और दूसरा ये कि आप सिर्फ बगीचा घूमें। विक्टोरिया मेमोरियल के आसपास के बागों को डेविड पेन और रेडडेल द्वारा डिजाइन किया गया था। बाग के रखरखाव के लिए सरकार द्वारा 21 बागवानों की टीम को नियुक्त किया गया है। इस बाग में एक एडवर्ड लॉन है जहां किंग एडवर्ड 7 की एक कांस्य प्रतिमा है। इसे सर बर्टरम मैक्रेन ने डिजाइन किया था। वहीं कर्जन लॉन में फ्रेडरिक विलियम पोमेरॉय द्वारा डिजाइन की गई कर्जन की मूर्ति है। अब चलिए आपको विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर ले चलते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के अंदर एंट्री लेते ही सेंट्रल हॉल में आपकी नजर सफेद संगमरमर से बनी रानी विक्टोरिया की एक शानदार मूर्ति पर जाएगी जो बेहद खूबसूरत है। रानी विक्टोरिया की मूर्ति के ठीक ऊपर ऐसी शानदार नक्काशी की गई जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर का म्यूजियम 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार द्वारा इस्तेमाल किए गए एंटीक सामानों से भरा है। क्या क्या है वो भी देख लीजिए।
अब जरा ये जान लीजिए कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जाना कैसे है। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विक्टोरिया मेमोरियल की दूरी 22 किलोमीटर है। अगर आप कार या टैक्सी से जा रहे हैं तो विक्टोरिया मेमोरियल तक पहुंचने में लगभग 1 घंटे का समय लगेगा। कोलकाता के किसी भी जगह से विक्टोरिया मेमोरियल तक पहुंचने के लिए साधन उपलब्ध है। अगर आप मेट्रो से जा रहे हैं तो रविंद्र सदन मेट्रो स्टेशन पहुंचना होगा। विक्टोरिया मेमोरियल सर्दियों के महीनों में यात्रा करने के लिए आदर्श है। नवंबर से फरवरी के अंत तक यहाँ ज्यादा भीड़ रहती है। सर्दियों में यहाँ साउंड एंड लाइट शो भी होता है। जुलाई से सितंबर तक कोई शो नहीं होता।